नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में शायद आपने काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी यूट्यूब और गूगल में भी सर्च करके टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया होगा, परिवार में भी टाइप 2 डायबिटीज़ के सदस्य कोई ना कोई मिल गए होंगे आपको। मैंने भी अपने पहले के वीडियोज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी दिया है, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, कृपया ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो को देखें जानकारी लेने के लिए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। टाइप 1 डायबिटीज़ किसे कहा जाता है, क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून स्थिति है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, प्राय बच्चों में, चिल्ड्रन में और यंग एज में पाया जाने वाला डायबिटीज़ है। इस डायबिटीज़ में जो पैनक्रियास का जो बीटा सेल होता है वो डैमेज हो जाने की वजह से, इम्यूनिटी के थ्रू से डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता है, और इंसुलिन नहीं बन पाने के वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ की स्थिति पैदा होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ सिंपली अगर कहें तो अपनी इम्यूनिटी जो इंसुलिन को नष्ट करती है बनने से, बीटा सेल्स के डिसफंक्शन होने के वजह से, और बीटा सेल्स पैनक्रियास में मौजूद एक ऐसा सेल है जो इंसुलिन को पैदा करता है, और इंसुलिन जब पैदा नहीं होता है तब टाइप 1 डायबिटीज़ की स्थिति पैदा होती है। अब मैं बात करूँगा टाइप 1 डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं। बहुत तीव्र प्यास लगना इसका एक कॉमन लक्षण है, खाना खाने के जस्ट बाद में दोबारा भूख लगने लगेगा, मुंह सूखता है, पेट डिस्टर्ब या उल्टी लगेगा, पेशाब घड़ी घड़ी लगता रहेगा, बार बार लगता रहेगा, कई बार खाते पीते भी वजन नहीं गेन करेंगे उल्टा वजन लॉस होने लगेगा, कमजोरी आने लगेगा, ब्लरी विजन, धुआं आंखों के सामने दिखाई देगा, मतलब धुंधला नज़र आएगा, सांस लेने में जैसे लगेगा चेस्ट में कोई बोझ हो रखा है, कोई दबाव बना हुआ है, तकलीफ़ से सांस लेंगे, बार बार कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन होता रहेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टाइप 1 डायबिटीज़ का एक कॉमन लक्षण है, वजाइना में स्किन डिजीज़ हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ रहता है उनके मूड बार बार चेंजेस होते रहते हैं, और बच्चों में एक बेड वेटिंग का टेंडेंसी रहता है, मतलब बिस्तर में पेशाब करने का बच्चों में एक कंडीशन रहता है। जब टाइप 1 डायबिटीज़ के सीवियर लक्षणों के बारे में बात करें तो कई बार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए ब्लड में, डायबिटीज़ टाइप 1 वाले पेशेंट को शेकिंग, कंपन होने लगता है, कन्फ्यूज़न होने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, तेज़ जल्दी जल्दी सांस लेने की स्थिति पैदा हो सकती है, स्मेल में फल के जैसे स्मेल आने लगता है, पेट में दर्द महसूस होने लगेगा, और कई बार रेयर कंडीशन में तो बेहोशी की स्थिति भी पैदा हो जाता है। कारण मैंने पहले ही आपको बताया कि जो इम्यूनिटी है वो जब डिस्ट्रॉय कर देती है इंसुलिन पैदा करने के लिए जो बीटा सेल्स है, उसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ करके ये टाइप 1 डायबिटीज़ की स्थिति पैदा होती है। 5% लोगों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है, और ये यंगर चिल्ड्रन जो 20 साल से नीचे हैं उनमें अधिकांश पाया जाता है। साधारणतः देखा गया है कि परिवार में किसी सदस्य को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है या भाई को है तब ये टाइप 1 डायबिटीज़ की स्थिति पाई जाती है। अगर किसी के परिवार में भी मेरे बताए गए लक्षण या ऐसी स्थिति है तो तत्काल आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, ट्रीटमेंट ले, नहीं तो आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ करके कई प्रकार के सीरियस गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर जागरूकता के साथ समझें और फॉलो करें, जिससे आगे की ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ जीना ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और इसी प्रकार से जुड़े हुए किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु या चिकित्सा हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।